पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए सड़कों पर निकल चुकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी यात्रा निकालकर बीजेपी के खिलाफ जनता को अपनी ओर करने में जुटे हैं। राहुल गांधी जनता को कांग्रेस की ओर लाकर बीजेपी को धराशायी करने का ख्वाब देख रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है। लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब ये पदयात्रा निकलती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ठहरते कहां पर हैं? तो आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किसी 5-स्टार होटल में नहीं ठहरते हैं, बल्कि राहुल गांधी ठहरते हैं एक 5-स्टार कंटेनर में। कंटेनर की सुविधाओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, ये कंटेनर एक चलता फिरता 5-स्टार होटल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता विश्राम करते हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, रात को ये कंटेनर भी वहीं पहुंच जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की यात्रा तमिलनाडु में ठहरी हुई है। आपको बताते हैं कि इन कंटेनर्स में क्या क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में 60 कंटेनर हैं। इन कंटेनर्स में 230 नेताओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस कंटेनर में एक बेड और वॉशरूम के साथ टॉयलेट भी अटैच है। सभी नेताओं के लिए अलग अलग कंटेनर अलॉट किए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक विशेष कंटेनर मंगाया गया है, जिसमें सिर्फ एक बेड है, वो भी राहुल गांधी के विश्राम के लिए। इसके अलावा पूरी यात्रा में 2 बेड, 4 बेड, 6 बेड और 12 बेड वाले कंटेनर्स भी बने हुए हैं। इन कंटेनर्स को रात में पार्किंग वाले स्थानों पर खड़ा कर दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी के नेता इनमें विश्राम करते हैं। वहीं अगले दिन ये कंटेनर्स यात्रा के पीछे पीछे दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इन कंटेनर्स में वॉशरूम के अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। इन कंटेनर्स में एसी लगाए गए हैं, ताकि नेताओं को आराम करने का वातावरण मिल सके। आपको बता दें कि जब ये कंटेनर्स रात्रि में एक जगह पर एकत्रित होते हैं, तो पूरा इलाका गांव में तब्दील हो जाता है। इन कंटेनर्स में एक कंटेनर को कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, जिसका प्रयोग कांग्रेस पार्टी की नेता मीटिंग के लिए करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।